हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे वीडियो कैसा लगता है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कीजिए। मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सामुदायिक स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व। नवीन अवधारणा के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। यद्यपि स्वास्थ्य काफ़ी सीमा तक व्यक्तिगत विशेष है, किंतु इसका प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण संबंध सामुदायिक के स्वास्थ्य अर्थात जन स्वास्थ्य से है। अतः स्वास्थ्य को व्यक्तिगत स्वास्थ्य से है अतः स्वास्थ्य को व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए प्रमुख उत्तरदायित्व मुख्य घटक हैं। फर्स्ट है व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रीय अथवा शासन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। फर्स्ट है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्ति को स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति सहज रहना चाहिए। व्यक्ति को उन सभी क्रियाकलापों को अपनाना चाहिए जिनके कारण स्वास्थ्य का रखरखाव हो सके। इसे स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। स्वयं देखभाल की कुछ गतिविधियां हैं। फर्स्ट है आहार, व्यायाम, निद्रा इत्यादि के साधारण व्यवहारिक नियमों का पालन करना। सेकंड है धूम्रपान, मद्यपान, औषधि व्यवसाय से दूर रहना। थर्ड है स्वास्थ्यप्रद आदतों को निर्माण, स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना। नंबर फोर है टीकाकरण, सामुदायिक चिकित्सा परीक्षण तथा रोग की शीघ्र उपचार करना। फाइव है अन्य व्यक्तियों को रोग से बचाने के उपाय करना। सेकंड हेडिंग है हमारी सामुदायिक उत्तरदायित्व। स्वास्थ्य संरक्षण हेतु समुदाय का सहयोग मिलना आवश्यक है। स्वास्थ्य गतिविधियां सामूहिक प्रयासों से ही कई संपन्न हो पाती हैं। सामुदायिक सहभागिता की प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं। फर्स्ट है सामुदायिक द्वारा गतिविधियों हेतु श्रम शक्ति सुविधाएं, नैतिक सहमति, फंड इत्यादि उपलब्ध कराना। सेकंड है योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन एवं मूल्यांकन में स्वास्थ्य की समुदाय की सक्रिय भागीदारी होना। थर्ड है स्वास्थ्य समुदाय द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम उपयोग करना। मेरी थर्ड हेडिंग है राष्ट्रीय उत्तरदायित्व। स्वास्थ्य लोग कल्याणकारी राष्ट्रीय राज्य का विषय है। सामुदायिक के स्वास्थ्य एवं कल्याण का उत्तरदायित्व राष्ट्र सरकार है। स्वास्थ्य को व्यक्तिगत अथवा समुदाय का कर्तव्य मानकर कोई भी राष्ट्र अपने नागरिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा नहीं कर सकता है। आलमा आटा 1978 को भारत सरकार हस्ताक्षर करता है तथा हमारी स्वास्थ्य नीति का आधारभूत लक्ष्य सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य रखा गया है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य नारे की 2010 तक बढ़ा दिया है। साथ ही 1983 में प्रथम स्वास्थ्य नीति में संशोधन कर 2002 में नवीन स्वास्थ्य नीति लागू कर दी गई है। मेरी दूसरी हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व। वैश्वीकरण के इस युग में नागरिकों के स्वास्थ्य हेतु राष्ट्र के मध्य सहयोग अभिप्राय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्य स्वास्थ्य एजेंसी इस उत्तरदायित्व विश्व स्वास्थ्य संगठन का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही है तथा स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति में लगातार सक्रिय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समन्वयकारी एवं नियामक है। थैंक यू। बाय बाय।